महाशिवरात्रि शिव को प्रसन्न करने का दिन है। ये वो दिन है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आम लोग इसे इसी तरीके से मनाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या फर्क है। साल में करीब 12 शिवरात्रि पड़ती है। यह हर महीने अमावस्या से ठीक एक दिन पहले की रात होती है। महीने का ये वो समय होता है जब रात सबसे अंधेरी होती है, लेकिन फागुन महीने में अमावस्या से ठीक पहले यानी 14वीं तारीख चतुर्दशी की रात को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है, रात भर लोग जागरण करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए आज हम इसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है। महाशिवरात्रि यानी वह रात जब सूरज धरती की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की सीध में होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे विषुव कहा गया है। ये वो तारीख होती है जो पूरी धरती पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस खगोलीय अवस्था में अपनी धुरी पर चक्कर काट रही धरती के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे अप केंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड और धरती का ही हिस्सा है, इसलिए अगर इस दिन हम अपने शरीर को सीधा रखें, जैसे कि योग की मुद्रा में बैठें या खड़े रहें, तो हमें शिव की ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात को जागरण किया जाता है। ऐसा करने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई ना हो बल्कि सीधी होनी चाहिए, ताकि वो ऊर्जा के इस प्रवाह का पूरा लाभ उठा सके। ऊर्जा के इस प्रवाह के कारण ही महाशिवरात्रि को जागृति अथवा चेतना की रात कहा जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ा ये विज्ञान भारतीयों को हजारों साल से पता था और वो इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आधुनिक विज्ञान के लिए ये ज्ञान महज कुछ 100 साल का है। वास्तव में महाशिवरात्रि खगोलीय अवसर है जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अपने शरीर और जीवन में संचार कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम इसे कुछ धार्मिक परंपराओं और कथा कहानियों के साथ जोड़ देते हैं। ये कहानियां भी किसी न किसी सत्य की तरफ इशारा कर रही होती है। उदाहरण के तौर पर इसी दिन सृष्टि की रचना का काम शुरू हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन अग्नि लिंग का उदय हुआ था जो आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। इसी अग्नि लिंग के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग थ्योरी के नाम से पुकारा जाता है। महाशिवरात्रि का संबंध समुद्र मंथन से भी है। इसी दिन समुद्र से विष निकला था और भगवान शिव ने विष का पान करके सृष्टि को बचाया था। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पाने का महापर्व महाशिवरात्रि का सभी भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जबकि पूरे साल में कुल 12 शिवरात्रियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि का इतना महत्व क्यों बताया जाता है? शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। उनके विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युगों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए, तब भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्नि स्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। भगवान शिव ने बताया कि दरअसल आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी में श्रेष्ठ मैं पर ब्रह्मा हूँ, जो आदि और अंत से रहित होकर अभी अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उस अग्निस्तंभ की पूजा की। उसके बाद वह अग्निस्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गया।
जिस दिन ये घटना हुई थी वह थी महाशिवरात्रि। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। यह घटना जहां भी हुई थी उसके बारे में कहा जाता है कि वह तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई पर्वत है जहां अरुणाचलेश्वर मंदिर स्थित है। इस दिन ही शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। विवाह रात्रि के समय हुआ था इसलिए इस व्रत में रात का खास महत्व है। महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के मिलन पर्व के रूप में माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है, कन्याओं को मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में निशीत काल में भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। पुराण के अनुसार इस रात को जो व्यक्ति मध्य रात्रि में शिव और शिवा की दूध दही घी शहद गन्ने के रस गंगा जल से अभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो व्यक्ति अटूट चावल शिव जी को अर्पित करता है वह धन पाता है। इस रात को जो व्यक्ति शिव की कृपा का फल चाहता हो उसे कम से कम 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। और वैवाहिक जीवन में प्रेम और अटूट संबंध के लिए कच्चा धागा लेकर शिवलिंग और देवी पार्वती की प्रतिमा पर 7 बार लपेटा लगाना चाहिए। और यदि इस पर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो सबसे उत्तम है। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें, हर घर में सुख समृद्धि दें और हम सब भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।